नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर। अभी हम मौजूद हैं खूंटी जिला से 40 किलोमीटर दूर उलिहातू गांव। उलिहातू गांव में यह जो आप स्थल देख रहे हैं, यह बिरसा मुंडा की जन्म स्थली है। यहां पर राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही। आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से लाइट की व्यवस्था की जा रही है और तमाम रंग रोगन पेंटिंग कलाकृति दीवारों पर दर्शाई जा रही है। तमाम आदिवासी रहन सहन और आदिवासी जो परंपरा है उसे दर्शाया जा रहा है दीवारों पर। तमाम कलाकार इसे अंतिम रूप देने में लगे हुए, क्योंकि 15 नवंबर का वो दिन होगा जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उलिहातू गांव के बिरसा मुंडा जन्म स्थली पहुँचेंगे। और आप यह जो आवास देख रहे हैं, यह बिरसा मुंडा का आवास है। इसी आवास में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो हम आपको अंदर भी चलकर दिखाते हैं कि कहां पर बिरसा मुंडा किस तरह से रहते थे। यह घर भले ही अभी मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन तमाम जो आप बरामदा ये देख रहे हैं, यह उस वक्त मिट्टी का हुआ करता था। यहां पर दलान हुआ करती थी और यहीं पर बिरसा मुंडा अपने लोगों के साथ बैठकर वह दौर 1900 से पहले का है, जब अंग्रेजों के खिलाफ गुलगुलान की तैयारी की जाती थी। और उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। भी एक पेड़ के नीचे दिख रहे हैं कि बिरसा मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा और तमाम लोग हैं। तमाम लोगों के साथ रणनीति तय की जा रही है। तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने वाले पहले व्यक्ति कहेंगे झारखंड के जो भगवान बिरसा मुंडा थे। और देख सकते हैं कि दीवारों पर आदिवासी कलाकृति दर्शाई गई है। और आपको अंदर भी चलकर दिखाते हैं कि जहाँ पर ऐसा लोग मानते हैं, यहाँ के लोग बताते हैं कि यहीं पर बिरसा मुंडा रहते थे। तो यह जो घर देख रहे हैं, अभी टाइल्स मार्बल लगा हुआ है, लेकिन उस वक्त यह मिट्टी का घर हुआ करता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी प्रतिमा भी बनाई गई है। इसी यही वह स्थान था जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा रहते थे, यही आवास है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है, उस पर देख सकते हैं कि उनके जन्म से लेकर मृत्यु सारे चीज़ लिखा हुआ। जन्म स्थान ग्राम उलिहातू, जन्म तिथि 15/11/1875 और मृत्यु तिथि 1900 में हुई है। तो यह आवास जो है बिरसा मुंडा का है। और आपको बाहर हम दिखाते हैं कि किस तरह से पूरी तैयारी जोर शोर से है। यह बरामदा फिर आपको दिखा रहे हैं कि इसी बरामदा में बैठकर भगवान बिरसा मुंडा लोगों के साथ, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ रणनीति तय करते थे। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर झारखंड अलग बना। और द न्यूज पोस्ट भी आपको लगातार जो 15 नवंबर का दिन आएगा, किस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद आएंगे और यहां पर माल्यार्पण करेंगे। तो सारी तैयारियों का जायजा द न्यूज पोस्ट ले रहा है और अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। हम और भी कुछ भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी खबरें लेकर आप तक पहुँचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, खूंटी।